नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में। सो गाइस, मैं हूं आपका भाई प्यारा सा दोस्त पार शुक्ला और आज आपको देने जा रहा हूं एक बेहतरीन रिव्यू जो कि है बंसल इंस्टीट्यूट के बारे में। सो गाइस, अब हमारा 12 का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे अपने हर कॉलेज के पीछे परेशान है कि मैं बीटेक किस कॉलेज से करूं और किस कॉलेज से ना करूं, किसी बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है, कुछ अपना फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा स्ट्रांग है बट उनको कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है। सो गाइस, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कॉलेज रिव्यू और मेरे चैनल पे जितने भी कंटेंट मिलते हैं, एक ब्लॉगिंग कंटेंट मिलता है, दूसरा हमारा कॉलेज रिव्यू कंटेंट मिलता है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, सो गाइस आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, आप कॉलेज रिव्यू देखते रहिए और जो भी बेहतरीन कॉलेज हो। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी किसी कॉलेज के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप जाइए हमारे चैनल पर और सारी वीडियोस को विजिट करिए, एटलीस्ट एक बार तो विजिट करिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको दूसरी कोई वीडियो चैनल पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि मैं अभी बोल चुका हूँ, वो है बंसल इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे उसके एडमिशन क्राइटेरिया की, उसके फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, कब एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हो, यानी A to Z तक पूरी बंसल की हर चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ फोटोज भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है, वीडियोस तो नहीं है लेकिन मैं जितना भी आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ट्रूली एकदम बिल्कुल ट्रू और बिल्कुल अच्छा कंटेंट है यहाँ पर। और चलिए चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट अपने रिव्यू की तरफ, हम चलते हैं, चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सो वेलकम गाइस, और मेरा नाम है पार शुक्ला। मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन रिव्यू जो कि हमारा है बंसल इंस्टीट्यूट के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा बंसल इंस्टीट्यूट का पहला कैंपस देखने को मिलता है, उसकी फोटोज बहुत ही ज़्यादा कम मिली तो मैं जो भी मिली मैंने आपके लिए सिर्फ यहाँ पे अरेंज करके रखा है। सो गाइस, जो कुछ हमारे पास ऐसा कैंपस है और ये हमारा बंसल का लोगो देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, लखनऊ बंसल कैंपस के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने मेन मोटो पर जो कि हमारा है एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। हमारा जो बंसल इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था गाइस इन 2007, यानी 2007 में बंसल इंस्टीट्यूट हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आप सोच लीजिए वो कितना पुराना हो चुका है। सो जनरली हम कहते हैं कि जितना पुराना कॉलेज होगा उतनी ही ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए बेहतरीन और अच्छा माना जाता है। सो ऐसा ही हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि एरिया ऑफ कॉलेज, यानी एरिया ऑफ कॉलेज क्या है, कितने कैंपस बनाए। सो गाइस, यहाँ पर एरिया अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा कैंपस है हमारा बंसल इंस्टीट्यूट का, इसलिए उसने बहुत ही कम जगह अपना एरिया रिव्यू नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख दिया है। अबाउट टू 10 to 12 स्क्वायर फीट, यानी 1000 स्क्वायर फीट के वहाँ पे एरिया में कुछ ऐसे ही फैला है, इसलिए बहुत ही कम कैंपस एरिया है, तो जो कुछ डिटेल वहाँ पे में नहीं प्रोवाइड कराई गई है। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं किसी का आप फीडबैक देते हैं, यानी कोई चीज़ आप देखते हैं तो आप किसी कितनी रैंकिंग देते हैं, तो इसी ठीक इसी प्रकार के कॉलेज को कितनी रैंकिंग मिली है। सो गाइस, यहाँ पर 3.7 out of 5 हमें यहाँ पर रैंकिंग देखने को मिल रही है। सो गाइस, ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की, एरिया ऑफ कॉलेज मैंने बताया, रैंकिंग। सो गाइस, ऐसे ही बात करते हैं कोर्सेज की, यानी यहाँ पर सो गाइस यहाँ पर टोटल 18 कोर्सेज हैं जिसमें से 14 यूजी हैं एंड 4 पीजी हैं। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी यहाँ पर 14 ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं और 4 ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सो गाइस, यहाँ पर कुछ पॉपुलर कोर्सेज है जो कि यहाँ बीटेक, एमबीए और एमटेक माने जाते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कोर्स की बात की, ऐसे ही मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो क्या देख पाता हूँ, यूनिवर्सिटी इज एफिलेटेड बाय, यूनिवर्सिटी मतलब जनरली ये एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है एक इंस्टीट्यूट। सो हम यहाँ बात करेंगे इंस्टीट्यूट इज एफिलेटेड बाय। सो गाइस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एफिलेटेड बाय AKTU एंड अप्रूव्ड बाय AICTE, यानी ये AICTE से अप्रूव्ड है और AKTU से एफिलेटेड है, इसका मतलब जो भी आपके पेपर कंडक्ट कराएगा वो सिर्फ और सिर्फ AKTU ही करा सकता है। इंस्टीट्यूट आपको गाइडेंस का
एक जरिया बनेगी। सो गाइस यहाँ पर एडमिशन की बात करें, मेन हमारा पॉइंट सबसे अच्छा यही है। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि AKTU से एफिलेटेड है कि नहीं है। तो गाइस यहाँ पे एफिलेटेड है, बाकायदा AICTE अप्रूव्ड है। सो अब आप पूछते हैं यहाँ पर एडमिशन कैसे लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम एडमिशन लेंगे, डायरेक्ट भी हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और थ्रू काउंसलिंग। काउंसलिंग के थ्रू कैसे, मतलब जेई मेन, आप जेई मेन का फॉर्म वगैरह भरे हो, एग्जाम वगैरह दिए हो। सो गाइस आप जेई मेन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू भी इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़ते हो तो हम देख पाते हैं कि स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, आप एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। सो यस गाइस, ये इंस्टीट्यूट आपको स्कॉलरशिप अफोर्ड करने के लिए आपको देता है, अप्लाई करने के लिए आपको एक मौका देता है, और बिल्कुल अवेलेबल है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस यू कैन अप्लाई फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट स्कॉलरशिप। यानी ये कहाँ से है, ये उत्तर प्रदेश से है। सो उत्तर प्रदेश की आप स्कॉलरशिप अप्लाई करके यहाँ पर आप स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के फैसिलिटीज अगर हम यहाँ पे देखने पाते हैं तो क्या है, लाइब्रेरी है हमारे पास, और लैब है, वाईफाई कैंपस है, हॉस्टल है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यानी जनरली इतनी हर कॉम्पस के कॉलेज में तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, अगर इतनी नहीं है तो फिर समझ लीजिए कॉलेज बेकार है। सो गाइस मैं आपको यहाँ बताऊँ कि अगर आप कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें और कैसे बेहतरीन कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए उसका प्लेसमेंट कैसा है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और देखिए वो MBA अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है, ये सारी चीजें कुछ आप देखिए। और उसका जो पिछला बैच है किस कंपनी में बेस्ड हुआ है, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती हैं, ये IT सेक्टर वाले बच्चों के लिए ज्यादा मायने रखता है। सो गाइस आपका एक कॉलेज आपके फ्यूचर डिसाइड करता है। सो गाइस बहुत ही ध्यान से देखिए, और कुछ बच्चे यहाँ पे फाइनेंशियल वीक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज सेलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन वीक की वजह से होने कारण ही वो कुछ ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो कुछ। गाइस आप मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहेंगे, कोई आपके कॉलेज किसी को मोहताज नहीं होता है, ठीक है। प्लेसमेंट बच्चा लेता है, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं लेता है। सो गाइस अगर हम ऐसे ही आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, कॉलेज हॉस्टल फीस। यानी अगर आप बंसल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, या फिर आपने मन बना लिया है, तो आपको हॉस्टल फीस कितनी देनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे आपको हॉस्टल फीस 60,000 देनी पड़ेगी, और आपको बीटेक फीस यहाँ पर कितनी देनी पड़ेगी। सो अगर हम यहाँ पे गाइस बीटेक फीस की बात करते हैं, तो बीटेक फीस हमारी यहाँ पे 94,904 इंडियन रुपीज में है, जो कि एक ठीक हमारे यहाँ पे देखने को पा रहे हैं, एक एवरेज यहाँ पर फीस है। सो गाइस ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को पा रहे हैं, प्लेसमेंट, यानी हम प्लेसमेंट कैसा यहाँ का है। सो गाइस यहाँ की हम बात करेंगे, अगर एवरेज पैकेज देख पाए 7 लाख है LP, यानी 7 लाख पर एन एम। हमारे हाइएस्ट पैकेज अगर हम यहाँ पे देखने को पा रहे हैं तो 15 LPA यानी 15 लाख पर एन एम है। सो गाइस प्लेसमेंट यहाँ काफी अच्छा हम देखने को पा रहे हैं। सो गाइस ये थे हमारे कॉलेज का रिव्यू। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में हर छोटी से छोटी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तब भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, सो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर पूछें। अगर आपको एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लगा के रख दिया है, और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दिया है। आपको एडमिशन ही लेना हो तभी आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा, लेकिन अगर आपको अदर कोई क्वेरीज लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम एक बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आपको लेके आऊँगा रिव्यू, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, और आपसे मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।